दोस्तों आप ये जो मोबाइल देख रहे हैं ये एक दूसरे मोबाइल शॉप की दुकान से आया है मेरे पास, और उनका कहना है कि मैंने इस मोबाइल के अंदर में जो है कई सारे माइक लगा दिया लेकिन जो माइक इसमें वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में जो माइक का प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर में जो है जो दूसरा सर्किट का फॉल्ट है। चलिए हम आपको इस मोबाइल के अंदर में कॉल करके यहाँ पे दिखाते हैं। इस मोबाइल में हमने कॉल लगाया, इसे रिसीव किया और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल का स्पीकर जो है मैंने ऑन कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रहा। चलिए हम आपको यहाँ पे इसके कीपैड में जो है टच करके दिखाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, कीपैड का आवाज़ आ रहा है, आप देख सकते हो कि कीपैड का आवाज़ जो इसमें आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से बनाया है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि इस मोबाइल के अंदर में मैंने एक जम्पर लगाया है इसके ऑडियो सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं और यहाँ पे ऑडियो सिग्नल की आवाज़ आ रही है। दोस्तों आप सुन सकते हो, आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा कि यहाँ पे शॉर्ट करते ही जो है टच करते ही जो है यहाँ पे ऑडियो सिग्नल की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जम्पर को जो मैंने लगाया है तो इसे मैं अभी आपको डायग्राम के जरिए से मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें जो इसका फॉल्ट क्या था, और क्योंकि जिस मोबाइल शॉप की दुकान से आया है ये मेरे पास ये मोबाइल, उनका कहना है कि उन्होंने जो इसमें कई बार जो है इसका माइक चेंज कर चुका है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के जरिए से आपको बता देंगे कि किस तरह से इसका जो फॉल्ट था उसके कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर इस तरह का फॉल्ट आपके पास आएगा तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारा जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो हमारे J2 Pro मोबाइल में, सैमसंग मोबाइल में जो माइक लगता है वो 3 पिन का माइक लगता है, ठीक है। ये 2 पिन ये हो गया और उसके बाद आप तीसरा पिन जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको मैं समझा दूँ, आप यहाँ पे थोड़ा देख लें। ये जो ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो माइक का जो पिन है ये हमारा ऑडियो सिग्नल पॉइंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख लें ये ऑडियो सिग्नल पॉइंट है हमारा, ये ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं ये ऑडियो सिग्नल है। उसके बाद ये जो रेड कलर का जो आप जो माइक का जो पॉइंट देख रहे हैं ये जो हमारा डाटा सिग्नल है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ये हमारा हो गया डाटा सिग्नल। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आपको बताएं दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का जो आप लाइन देख रहे हैं, तो ब्लैक कलर का जो ये लाइनिंग है तो ब्लैक कलर के लाइनिंग में जो ये है ग्राउंड, ठीक है, GND ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड सर्किट है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से आपको बता रहे हैं ये ऑडियो सिग्नल हो गया, उसके बाद ये हमारा डाटा सिग्नल हो गया, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे हमारा जो है ग्राउंड सर्किट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर में जो फॉल्ट था जो माइक काम नहीं कर रहा था, तो उसमें आपको बता दूंगी ये जो ब्लू कलर का जो लाइनिंग देख रहे हैं ये पॉइंट जो इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रहा था जिस वजह से हमारा जो माइक जो है काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं इस पॉइंट पर वोल्टेज आनी चाहिए तभी आपका माइक काम करेगा क्योंकि ये ऑडियो सिग्नल है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये ऑडियो सिग्नल के बीच में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा हुआ था, ठीक है, और ये कंपोनेंट जो है शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे माइक के पॉइंट पर जो है वोल्टेज नहीं आ रहा था जिस कारण से माइक काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे जो है इस कंपोनेंट को जो है आपस में जो है शॉर्ट कर दिया, आपस में जो है ज्वाइन कर दिया, टच कर दिया हमने इसे, ठीक है। उसके बाद हमारे इस माइक के पॉइंट पर जो यहाँ पे वोल्टेज आ गया और जैसे हमारे माइक के पॉइंट पर वोल्टेज आया हमारा माइक जो यहाँ पे काम करना जो शुरू कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर इस तरह का फॉल्ट आया तो आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।